किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पहले भी हमने मार्च 2018 से लेकर जुलाई 2018 तक हमने धरना किया था, तो इन लोगों ने हमारी जो J&K गवर्नमेंट है उस समय इन्होंने 500 रुपया हमारा बढ़ाया था और सेंटर ने 1500 रुपया, लेकिन वो 500 रुपया आज तक हमें मिला ही नहीं है। वो 500 रुपया कहाँ गया? हम LG से पूछना चाहते हैं कि वो 500 रुपया किसकी जेब में गया, हमें तो आज तक मिला नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हमारा ये जो धरना है अभी तो एक ट्रेलर दिखाया है, ये बहुत उग्र रूप लेगा और हम सड़कों पर उतर आएंगे और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। कठुआ से वर्कर एंड हेल्पर यूनिटी से आज का जो ये हमारी छोटा सा धरना है, ये हमने अपने डिमांड को लेके किया हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है कि 18 में भी हमने काफी टाइम से प्रदर्शन किया था, लेकिन उस टाइम भी हमें उन्होंने आश्वासन देके उठाया था कि हम आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि 2018 के बाद 2022 भी शुरू हो गया है लेकिन हमारा कुछ नहीं बना है। हमारी जो डिमांड थी उनमें से कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं की गई है, इवन हम पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया हुआ है काम का। अभी हमें फोन दे दिए हुए हैं कि आप लोग फोन पे काम करना है आपने, लेकिन हमारी जो मानदेय है वो इतना कम है कि हम फोन यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन हमें महीने का जो है वो फोन के लिए 200 रुपया मिलता है, वो भी पर मंथ नहीं मिलता है, कभी 6 महीने में कभी 7 महीने में हमारी सैलरी जो वो आती है। हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि जैसे बाकी डेली वेजर है उनको आप सुन रहे हो, उनकी आप सुध ले रहे हो, तो हमारे लिए भी आप जो भी है सुध लो, हमारी जो डिमांड है उसको फुलफिल करो, क्योंकि जितनी भी स्टेट है सब स्टेटों से सबसे ज्यादा कम जो सैलरी है वो हमारी है। तो हम डिमांड करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, हमारे जो LG है उनसे, कि प्लीज हमारे लिए भी कुछ करें, हमारे लिए भी सोचें, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का वादा कर रहे हैं आजकल मोदी जी, कल भी उन्होंने भाषण में कहा था कि नारियों को जो है हम करेंगे आगे लाएंगे, उनको हर फील्ड में वो आगे जाएंगी वो, लेकिन कैसे आगे जाएंगी? हमारे यहाँ की नारियां जो है वो तो बेचारी देख लो सड़कों पे घूम रही है, उनका तो शोषण हो रहा है। तो हमारी मोदी जी से भी अपील है कि कृपया हमारी तरफ ध्यान दें, इन वर्कर्स का, इनका हेल्पर का जो सिर्फ मात्र 5000 रुपए ले रही हैं, इनकी तरफ भी देखें और इनकी जो सैलरी है उनको बढ़ाया जाए। तो जो डिमांड है कि हमारी जो सैलरी है बाकी जो स्टेटे हैं उनकी तरफ पे हमें 20000 रुपया किया जाए और जो हमारी जो हेल्पर है उनको 15000 दिया जाए, और जो हमारे हमसे प्रमोट होती हैं सुपरवाइजरें बाहर से ही आती हैं, वो हम चाहते हैं कि वो हमारी जो लड़कियां हैं हमारी जो कार्यकर्ता है उन्हीं में से प्रमोट की जाए, ना कि बाहर से आए। और जब ये अब जिन्होंने 65 प्लस हो गई हैं, अगर उनको आप रिटायरमेंट करते हो तो कम से कम वर्कर को 5 लाख और जो हेल्पर है उसको 3 लाख रुपया उनको दिया जाए। और भी बहुत सारी हमारी डिमांड है जो कि जायज डिमांड है, वो हमने उनके आगे रखी हुई है। कल हमारा जम्मू में भी प्रदर्शन था, अभी हम देख रहे हैं अगर ये लोग हमारे जल्दी हमारी डिमांड को नहीं मानेंगे तो उसके आगे हम क्या करते हैं, इसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी। ये आज के दिन ही था, ये सिर्फ एक ट्रेलर था सरकार को दिखाने के लिए, उसके बाद अगर वो हमारी डिमांड को नहीं मानते हैं तो हम आगे एक्शन लेंगे फिर। थैंक यू।